اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابن قاسم ثم الصلاة والسلام علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم सालाना सिलसिला हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सलाम करते हैं। हम जिन बुजुर्गान के मदारात के अहाते में हाजिर हैं, मरहूम मक़बूल सैयद अशरफ अली शाह बुख़ारी और मरहूम मक़बूल सैयद मुकर्रम शाह रहमतुल्लाह अलैहिम, उनके सालाना पोस्ट का सिलसिला है और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम दरगाह की जानिब से तरतीब किए जाते हैं। जिक्र लेकर लद्दाख का सिलसिला भी उसी की एक कड़ी है। मुझे जो बताया गया और बल्कि एक मौजू फराहम किया गया कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके खिदमत में अर्ज़ रखूँगा और ज़रूरत भी है इस अमल की कि इस किस्म के जो मराकज़ हैं, जो दरगाहें हैं, जो गुलदरगाह दीन के मज़ारात हैं, जो उन शख्सियात की तालीम का निचोड़ भी मोहब्बत और मोहब्बत ही रही है। उन्होंने ज़िंदगी भर दर्स मोहब्बत दिया और वो ये चाहते थे कि बग़ैर किसी मजहब व मिल्लत की तफरीक के तमाम अदियान, तमाम मकातिब, तमाम मजाहिब से वाबस्ता लोग कम अज़ कम इंसानियत के नाम पर यकजा हो जाएं और जो मुश्तरकात हैं उनकी हद तक आपस में इस तरह समाजी जिंदगी गुजारें कि जो नफरत उसे आज़ाद हो। हर शख्स अपने अकीदे के मुताबिक, अपने नज़रियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आज़ाद हो। अगर किसी मस्जिद में एक ही सफ में कोई हाथ बांध कर खड़ा है, कोई हाथ खोल कर खड़ा है, किसी का हाथ सीने पर बंधा है, किसी का नाफ पर है, तो इस सबक को वजह निज़ाम न बनाए बल्कि इस नीयत और इरादे के साथ
अपने एमाल सर अंजाम दें कि ये बंदे और खुदा का मामला है। मैंने अपने मकबूल भर जो तहकीक की है, जो सुना है, जो बयान किया गया है, या जिस पर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे नज़रिए के मुताबिक ये दुरुस्त है, अब कबूल करना और न करना साथ खड़े हुए हाथ बंधे या हाथ खोले शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये खुदा और बंदे का मामला है। कबूल करे रद्द करे ये उसका मसला है, उसका काम, बंदे को सरंजाम नहीं देगा। कि मैं कहूं कि तेरी कबूल नहीं है, वो कहे कि आपकी कबूल नहीं है, आपका तरीका दुरुस्त नहीं है, कि नहीं। इसलिए देखे इस्लाम में एक इतनी वसत फिक्री है, बस करें एक हिंदू जोड़ा जिसने अपने मजहब के मुताबिक बयाह रचाया शादी की, अब वो किसी चीज से मुतासर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। शोहर भी हिंदू है तो क्या भी हिंदू है, गैर मुस्लिम में काफ़ा पता है हमारे में, वो हो गए मुसलमान, उन्होंने कलमा पढ़ लिया किसी शिया सुन्नी बुजुर्ग के हाथों पर और वो उन्होंने ईमान कबूल किया। अब इस्लाम कहीं पर भी किसी भी फरके के उलमा के नजदीक ये तकाजा नहीं करता कि चूंकि आप अब कलमा पढ़कर दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए हैं, आप उम्मत मुस्तफा में शामिल हुए हैं, तो आप कलमा पढ़ने के बाद अब चूंकि आप जोजा और शोहर थे, मगर अपने अंदाजे के मुताबिक आपने तो आग के इर्द गिर्द दो अच्छे साथ घेरे लगाए और आपने अपने पेशानी पर संदूर और मांग में संदूर भरा और जो आपके रसूमात थी उनके मुताबिक आपकी शादी हुई, आपको बाल बच्चे भी हो गए, आपने इतने बरस शादीशुदा जिंदगी भी गुजारी, अब क्योंकि आप मुसलमान हैं तो अब आप किसी मौलवी साहब को मंगाएं और एक मतवा निकाह की तकरीब करें, वो वहां पर सीगे पढ़े, वो वहां पर खुतबा पढ़े, तो मुसलमान होने के बाद आप फिर जोजा और शोहर कहलाएंगे। इस्लाम के नजरिए में इतनी वुसअत है कि अगर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और उसका निकाह हिंदुइज्म के हवाले से हुआ है तो इस्लाम कहता है आपका पहले वाला पढ़ा हुआ निकाह और जिन रस्मों के तहत आपने सर अंजाम दिया ये खुदा को भी कबूल है, रसूल को भी कबूल है, इमाम को भी कबूल है, आप वैसे ही जोजा और शोहर हैं। अब आज के बाद के एमाल इस्लाम के मुताबिक अंजाम पाएंगे, आपके पहले एमाल सब काबिले कबूल है। कहीं इस्लाम ने नहीं कहा कि आप अपना निकाह हमारे यहाँ देखें, आप जो तअस्सुब हमारे यहाँ जो एक किस्म की दहशतगर्दाना सोच, अपना नजरिया किसी पर मुसल्लत करना, किसी पर जबरन नाफिस करना, अक्सर आप देखते हैं अखबारात में सोशल मीडिया का जमाना है कि मसलन पुराने जमाने में हम बचपन की बातें सुना करते थे, आज से 50-60 बरस पहले की बातें, तो शायद अभी आप में से नौजवान नस्ल में वो न सुनी हो कि भाई अलम के नीचे से गुजरे आपका निकाह मुतासर हो जाता है, ठीक है, किसी ने जो है वो ताज़िए की ज़ियारत की तो उसका निकाह बादल हो जाएगा, अब उसे निकाह, हत्ता कि ये एक डेढ़ बरस पहले की बात है कि पंजाब के किसी गांव में लोगों ने एक शिया मसलक के मोमिन के जनाजे में नमाज में शिरकत की तो उनकी मस्जिद से ये ऐलान हुआ कि आपने चूंकि शिया का जनाजा पढ़ा है इसलिए आपका निकाह खत्म हो गया, अब जिन जिन लोगों ने जनाजे में शमूलियत की है वो अपना निकाह दोबारा पढ़ा। जनाजे में शिरकत से निकाह मुतासर हो रहा है, अलम के साए से गुजरने से निकाह मुतासर हो रहा है, ताजिए की ज्यादत करने से निकाह मुतासर हो रहा है, कहीं पर न्याज खाने और सबील पीने से निकाह मुतासर हो रहा है। और इस्लाम का ओरिजिनल और खालिस नजरिया क्या है कि आप अगर काफर भी हैं
हिंदुइज्म के तहत आपकी शादी का जो भी तरीका था आपने आपके साथ फिर लगाए। अब क्योंकि आप मुसलमान हो आपकी पुरानी जिंदगी के सब अहमाल कबूल है, आज से आप अपना नया खाता शुरू करो। कोई इस किस्म का अमल आप पर असर अंदाज नहीं होता। अब चूंकि एक मौजूदी गुफ्तगु है तो लाजमी मुझे उसी जगह पर चलना पड़ेगा, इसलिए आप भी संजीदा होकर माशाल्लाह सुन रहे हैं। तो एक मरतबा अगर मिलके आमादगी के तौर पर दुरूद भेज दे ताकि मैं अपनी गुफ्तगु जारी रख सकूं। जरूरत है, वक्त की अहम जरूरत है कि मसाजिद और मदारिस इमाम बारगाहें, उनके बाद हमारी दरगाहें। हमारे यहां समाज को रुख देने में, समाज को एक जहत देने में, समाज को एक राह सुझाने में सदियों से दरगाहों का अहम किरदार रहा है। जो दरगाहों के मुतवल्ली, जो दरगाहों के गद्दी नशीन, जो दरगाहों को संभालने वाले, वो ये न समझे कि बस उन्हें जिनकी खूबी ने कमाले ड्राइवर अब किसी बुजुर्ग की मजार है। साईं अशरफ अली शाह, साईं शुक्रन शाह, साईं मिठन शाह, ये इनकी दरगाह है। साईं किबला दादन शाह उनका पेड़ है, तो बस वो कमाई हो करके गए। अब तो हम बस बैठे हुए हैं, लोगों का ताता पता हुआ है, मुरीदों का आना जाना है। जी नहीं, अगर साईं छुट्टन शाह का, साईं मठन शाह का, साईं दादन शाह का, साईं अशरफ अली शाह का, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का, लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का, या किसी भी बुजुर्ग का कोई गद्दी नशीन, कोई संभालने वाला, कोई दरगाह में बैठने वाला अगर उनके नाम पर बैठता है तो वो नाम को फकत इस्तेमाल न करे, उसे काम भी वही करना पड़ेगा जिसके नाम पर खा रहा है। जिम्मेदारी है उनकी। हमारे यहां आपको अंदाजा है, इसी मुआशरे और समाज के अफराद हैं आप और हम, हत्ता के हत्ता के लोगों को ये मौका फराहम हो गया, उंगली उठाने का उन्हें मौका मिल गया। पर मुझे पता है अलम लगा हुआ है, एक ओतारा, एक मैखाना और एक दरगाह और वो बनी हुई है, कब्रिस्तान है। आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कब्रिस्तान के एक अपने मखसूस अहकाम हैं, कब्रिस्तान के मखसूस अहकाम हैं। आज 6 शवाल और 7वीं की शब 8 शवाल हम कब्रिस्तानों और मजारात मुकद्दसा की बेहुर्मती के एहतजाज के तौर पर योम इन्हदाम जन्नतुल बकी मनाकर बताते हैं कि फकत ये नहीं कि 1924-25 में अगर कुछ नाहंजारों ने, कुछ डाकुओं ने, कुछ लुटेरों ने किसी सल्तनत पर कब्जा करके मुकद्दस मकामात की बेहुर्मती की तो हम उस पर एहतजाज करते हैं। और अगर आज भी कोई किसी मजार के इर्द गिर्द बैठ कर वहां पर गलत अमल सर अंजाम देगा तो ये भी उस मजार और अहल मजार की बेहुर्मती है, उस पर भी मुझे एहतजाज करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे कब्रिस्तान, हमारे मजारात, बुजुर्गाने दीन की कब्रें, इनका ही अफसोस होता है। मुझे क्योंकि पता चला कि इस हवाले से प्रोग्राम है, बहुत खुशी हुई कि शहर का मजमा होगा, जो चंद मोमिनीन हाजिर हैं आप तशरीफ फरमा है, एक डरते दिल और यकीनन आप और हम सब समझते हैं। कुछ लोगों ने इस बात को बहाना बनाकर, बाबा ये खवातीन क्यों जाती है मजारात पर, ये आप वहां पर तो जाएं तो वहां बेपर्दगी है, वहां नाच गाना है, वहां तमाशा है,
वहां मेला है, वहां ये है, वहां वो है, उन्होंने इस चीज को बहाना बनाकर वहां जाने से ही रोक दिया। एक शख्स के जेल में अगर कलम हो और बहुत ही कीमती और अच्छा कलम था और आप उसे कहें कि अपना एड्रेस जरा मुझे लिख कर दे, तो वो कहे कि साईं मसला है मेरे साथ, कलम तो मेरी जेब में है जब वो, मगर मुझे लिखना नहीं आता, मैं लिख नहीं पाता, बस ऐसे ही कलम बतौर शौकी सबसे मैंने जेब में लगा रखा है। अजीब आदमी, अब दो रवैये होने चाहिए, एक रवैया निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक मुस्बत है एक मनफी है। मनफी क्या है? शुरू नहीं होती, कलम लेकर जेब में घूम रहे हो, लिखना तो तुम्हें आता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि कलम निकालो फौरन अपनी जेब से, तोड़कर फेंक दो, क्योंकि तुम अहली नहीं हो, ये कलम तुम्हारी जेब में सजता ही नहीं है, इसे निकाल कर फेंक दो। ये मनफी रवैया, निगेटिव रवैया है कि मैं उसे कहूं कि कलम है मगर लिखना नहीं आता, तो इसलिए तुम कलम निकाल कर फेंक दो, तोड़। इसका पॉजिटिव रवैया क्या है, मुस्बत रवैया क्या है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह कलम तो आपके पास है और आपने अपनी जेब में महफूज भी रखा हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी एड्रेस और अपना अता पता मुझे लिख कर दें, आप फरमा रहे हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, तो वो कहे मैं क्या, अब बेहतर ये है कि माशाल्लाह आप लिखने में बहुत अच्छे आदमी हैं और नजर भी पढ़े लिखे आते हैं, जेब में कलम भी है, जेब भी है और इतना कीमती कलम आपने संभाला हुआ है, तो क्या अच्छा बेहतर होता कि आप थोड़ी जहमत करें, थोड़ी मेहनत करें और लिखना पढ़ना सीख लें, ताकि कल जेब में रखा हुआ कलम आपकी शर्मसारी का सबब न बने, आपकी तोहीन का सबब न बने। बेहतर यह है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे, कलम तो बहुत ही कीमती चीज है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम इतनी मोतबर चीज है कि खुदावंद मुतआल ने सूरह वल कलम में कलम की कसम उठाई है, कलम की कसम उठाई है। तो इतनी कीमती और मुकद्दस चीज आपके पास है और आपने अभी तक लिखना नहीं सीखा, चलो अभी जिंदगी पड़ी है तो आप बेहतर है कि लिखना सीख लें, इस कलम को संभाल के रखें, जब लिखना आ जाए और कोई कहे कि पता लिख कर दो, कोई खत लिख कर दो, तो बेहतर होगा और आप फखर के साथ कलम को इस्तेमाल कीजिए। मनफी रवैया क्या, निकालो कलम, तोड़ दो कलम, तुम कलम रखने के अहल नहीं हो, लायक नहीं हो, फेंक दो इस कलम को। मस्बत और पॉजिटिव रवैया क्या, कलम भी है आप भी अच्छे हैं, बासलाहियत है, थोड़ी कोशिश करके लिखना सीख लें। ये दो रवैये हैं हमारे बुजुर्गाने दीन के हवाले से, दरगाहों के हवाले से, मजारात मुकद्दसा के हवाले से, कलंदर पर न जाओ, शालतीफ की दरगाह पर न जाओ, साईं अशरफ शाह की मजार पर न जाओ, साईं सुल्तान शाह और मिठन शाह और दादन शाह की मजार पर न जाओ। क्यों न जाएं कि वहां पर तो ये होता है, वहां पर रक्स मौसीकी है, नाच गाना है, बेपर्दगी है और वो पता नहीं क्या क्या एमाल सर अंजाम दिए होते हैं, बाहर वो भंग है, बाहर कहीं चर्च है, कहीं ये है, कहीं वो है, बदतमीजी है, बद अखलाकी है, तो क्या करें, आप मजार को छोड़ दें, भिटाई के पास न जाएं, लाल साईं के पास न जाएं, साईं अशरफ शाह के पास न जाएं, साईं छोटन शाह और मिठन शाह के पास न जाएं, साईं दादन शाह के पास न जाएं। ये है मनफी रवैया कि लिखना नहीं आता, कलम तोड़ दो, कलम फेंक दो। मुस्बत और पॉजिटिव रवैया क्या है, जो आप मोमिनीन ने अपनाया है, गद्दी नशीनों ने अपनाया है कि किबला की मजार को मुकद्दस जिक्र से इतना पाकीजा बनाओ कि किसी में हिम्मत न हो के मजार पर न जाओ, मजलिस सुनने भी न जाए। मजलिस सुनने न जाए, फातिहा पढ़ने न जाए, हाजिरी देने न जाए,
मुकद्दस शख्स की मजार की ज्यारत करने न जाए, वहां से फैज हासिल करने न जाए। अब यह है पॉजिटिव नजरिया, यह है मुस्बत नजरिया, यह है अच्छी अंदाज़े फिक्र कि हम उन मजारा, हम उन गद्दियों, हम उन बुजुर्गाने दीन के आस्थानों को इतना मुकद्दस बनाए। कायनात ने बोला हुसैन की मजार से ज्यादा मुकद्दस आस्थान किसका है? कायनात में पैगंबर गिरामी की मजार से मुकद्दस आस्थान और दरगाह कौन सी है? नजफ से बढ़कर कायनात की दरगाह कौन सी है? हजरत लाल शाहबाज कलंदर भी फरमाते हैं सबे कुए शेर जस्ता ना, वहां सबसे पहले जिस अंदाज फिक्र की जरूरत है, अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता किसी मजार के बाहर, किसी आस्थाने पर, किसी इमाम बारगाह में, किसी कब्रिस्तान में, वहां पर गलीज किस्म के लोग, बदअमल लोग आकर जमा हो जाते हैं और नतीजे में उस साहिब मजार, उस गद्दी, उस कब्रिस्तान, उस इमाम बारगाह, उस मकान की बदनामी का सबब बनते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा उंगली किस पर उठाई जाती है, सबसे ज्यादा मजम्मत किसकी की जाती है, सबसे ज्यादा तानो तशरीह का निशाना किसे बनाया जाता है? मतलब ये हुसैनी को। और मुझे पता है, आपको भी पता है, अगर कोई भंग पी रहा है, कोई चर्च पी रहा है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी घर का बेटा हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वहां पर समुराई की कशिश से खींचकर सब चले आते हैं। शिया भी सुन्नी लगा रहा है, सुन्नी भी लगा रहा है, देवबंदी का बेटा भी बैठा हुआ है, हिंदू का बच्चा भी बैठा हुआ है, ईसाई का भाई भी बैठा हुआ है, सब मकातिब से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं। वहां पर मसला ये होता है कि जब नारा लगता है तो अली अली का लगता है, हुसैन हुसैन का लगता है, अगर कलम होता है तो हजरत अब्बास का होता है। वहां पीपी का झंडा नहीं होता, नून लीग का झंडा नहीं होता, पीटीआई का झंडा नहीं होता, मौलाना फजल रहमान का झंडा नहीं होता, जमात इस्लामी का झंडा नहीं होता, जीएसएस और एमक्यूएम का झंडा नहीं होता। वहां कलम होता है हजरत अब्बास का, मौला हुसैन का, कर्बला के सरदारों का। और वहां पर अगर कोई बदअमली करता है, सब फलकों के झुटकारे हुए लोग, बिगड़े हुए लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। मगर वहां पर बैठकर जिसके तरीके पर बेटी का निकाह पढ़ाता है उसका नारा नहीं लगाता, जिसके तरीके पर ईद की नमाज पढ़ता है उसका नारा नहीं लगाता, वहां नारा लगाता है नारा हैदरी गाली। नतीजे में ख्वार, बदनाम और उंगली उठाने का सबब क्या पड़ता है कि देखो अली वाले हैं, देखो हुसैन वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजारात को, हम उन मकानों को, हम उन इमाम बारगाहों को, हम उन कब्रिस्तानों को, उस अलम अब्बास के तकद्दस को इस तरह उजागर करें कि किसी को इजाजत न दे कि अलम हुसैन के नीचे बैठकर अमल यजीद करोगे, हुसैनी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझसे किसी ने इतराज किया, जैसे देखो आपकी दरगाहों पर, बाजारात पर ये इस किस्म के ऐमाल सर अंजाम दिए जा रहे हैं। मैंने कहा ये खराबी किसकी कहा आपके मकतब की? मैंने कहा अगर होटल पर बैठकर कोई मुसलमान जुआ खेल जाता, कहीं किसी गुर्दे से जा जाता, खुद को हिंदू कहलाकर शराब की बोतल हासिल कर जाता, शादी में आके वलीमों के मौके पर बिगड़े हुए लोग शराब और कबाब की महफिल सजाते हैं, सारी दुनिया को पता है मुसलमान है, कलमा गो है, कोई सूफ का कारोबार कर रहा है पता है मुसलमान है, दूध में पानी मिला रहा है पता है मुसलमान है,
बेहयाई बदकिरदारी का काम सर अंजाम दे रहा है। बहू बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फैला रहा है। हर मुसलमान लोग कहते हैं ये मुसलमान का अमल है, इस शराब पीने वाले की वजह से, इस सूद लेने वाले की वजह से, इस रिश्वतखोर की वजह से, इस ब्लैक मार्केटिंग करने वाले की वजह से, ये बाड़े में दूध में पानी मिलाने वाले की वजह से। आप ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम खराब है, आप कहेंगे ये मुसलमान खराब है, इसका अमल खराब है। तो खुदारा यही रवैया जो आपका इस्लाम के हवाले से है, यही रवैया हुसैनियत और तशय्यों के हवाले से अपनाए। मतलब अली खराब नहीं है, ये इंसान बदअमल है। जब हो बनेगा यजीदियत को छोड़ देगा, हुसैनियत के दामन में पना देगा। मसला उसी साहिब मजार का नहीं है। वो लोग कहते हैं साईं बसा वो हमारा क्या जाए, कलंदर जाने और हो जाने, साईं भिंडाई जाने और हो जाने, सच्चल साईं जाने और हो जाने, मसलन साईं अशरफ अली शाह जाने और हो जाने, हमारा क्या, हम कौन रोकने वाले हैं। तो भाई आपको जानने के लिए ही आपको साईं अशरफ शाह ने यहां बिठाया है, आपको जानने के लिए ही कलंदर शाहबाज ने आपको बिठाया है, शाह लतीफ सरकार ने आपको बिठाया है। इसीलिए आपको पता है कि अगर हुकूमत सद्दाम मलऊन की हो तो रोजाए हुसैन पर नमाज बाजमात की पाबंदी नहीं होती, नमाज पढ़ने नहीं दी जाती। मगर जब वो मलऊन फिन्नार होता है 30-32 बरस के बाद और वहां पर हक के हामियों की हुकूमत आती है तो वही अमल फेर बहाल होता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नमाज बाजमात अरबईने हुसैनी में बारगाहे हुसैनी में अदा की जाती है। मक्के की जमात सबसे बड़ी नहीं है माजरत के साथ, मदीने की जमात सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी कायनात की अफ्तारी मौला अली रिजा अलैहि सलाम के हरम मुकद्दस में मशहद में सर अंजाम पाती है। तो ये अफ्तारी का एहतमाम वो लोग करते हैं जो वहां के मुतवल्ली है। करबला में नमाज का एहतमाम मुतवल्ली करते हैं, नजफ की पाकीजगी का एहतमाम मुतवल्ली करते हैं। तो अगर कितना अच्छा हो हमारे गद्दी नशीन और मुतवल्ली भी करबला के मुतवल्लियों की तरह, नजफ के मुतवल्लियों की तरह, मशहद और कुम के मुतवल्लियों की तरह इतने पाकीजा हो जाए कि किसी दरगाह में बेपर्दा औरत को दाखिले की इजाजत न हो। हमारी जिम्मेदारी अगर मैं सही अमल सर अंजाम दे सकता हूं तो मुझे बेचने का हक है, अगर नहीं दे सकता मुझमें इतनी तवानाई नहीं है। ये पाकिस्तानी हुक्मरानों और सियासतदानों की गलती नहीं है कि आप एक ही लगा लगाकर चिपक कर बैठ जाए, जो आता है वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। हर हाल में दीन बेचना पड़े, ईमान बेचना पड़े, अखलाकियात से गिरावट अमल सर अंजाम देना पड़े, जो बुराई करनी पड़े, जितना जुल्म करना पड़े, जितनी ज्यादती करनी पड़े, हम अपने जलसों पर तो अरबों और करोड़ों डॉलर खर्च कर देंगे मगर पड़ोसी गरीब को देने के लिए हम कुछ तैयार नहीं है। मैं तो गुजारिश करता हूँ अगर ये सब सियासतदान मिलकर जितने अरबों खरबों रुपए अपने बड़े बड़े लोगों को सिर्फ जमा करके अपने नाम का सिक्का जमाने के लिए लाखों लोगों को जमा करते हैं, अगर ये सब पैसे चंदा करके मिलाकर गरीब आवाम पर खर्च करें तो गरीबों की जिंदगी बदल जाए, जिंदगी बदल जाएगी। मगर नहीं तो क्या ये मुकद्दस मकामात की गद्दी नशीनी,
या वहां का मुतवल्ली होना कोई पाकिस्तानी सियासी निजाम है जी? नहीं, बहुत बड़ी शख्सियात है जो इन मजारों में सोई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा। और कुरान कहता है शहीद जिंदा होता है। सैयद अशरफ अली शाह, सैयद मिठन शाह और दूसरे बुजुर्गान दीन साहिबान मजारात अगर अहले बैत की मोहब्बत पर इस जहान से गए हैं तो हमारी मजलिस भी सुन रहे हैं, हमारे तमाशे भी देखते हैं, कितना किराम गुजरता होगा अगर किसी मजार के बाहर सिर्फ हम वो संदूक पैसों से भरने के लिए लोगों को जमा करें, पेपर का बिस्मिल्लाह आ जाओ, बेदीनी करते हो बिस्मिल्लाह करो, सर्कस लगाकर नाचते गाते हो, ज्यादा कूल न दूं अपनी मुश्किल बुनियादी मसला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल जिस तरह मैंने कहा ना, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, हलाल और हराम के मसलों में 99% ऐसे मसाइल हैं जिन पर पूरी उम्मत क्या बल्कि इंसानियत का इत्तफाक हुआ। शराब हराम है, कौन कहता है इख्तलाफ है? बरेली कहेंगे हलाल है, छोटा खास्ता या देवबंदी का इलाह है, हदीस का है, या शिया का है, या हिंदू का है, तीन नहीं। आपको तो याद होगा चंद महीने पहले की बात है या एक साल पहले की होगी कि एक हिंदू एमएलए ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ये करारदाद पेश की थी कि पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि 90% आपके लोग हमारे नाम पर शराब लेकर पीते हैं और बदनाम हम होते हैं, हमारे मजहब में भी शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इसलिए बड़ा मेहरबानी शराब पर पाबंदी लगाए ताकि ये दाग हमारे दामन पर न लगे। मगर इस्लाम के मुजाहिदों को करारदाद मंजूर होने नहीं दी। तो मसला ये है बुनियादी सबब, हमें अपनी चीजों की हिफाजत करने का जिम्मा है। मजारात, हमारे मुकद्दस मकाम, हमारे कब्रिस्तान, आप में से अक्सर लोग माशाल्लाह तशरीफ ले गए होंगे, बहिश्ते सहरा कब्रिस्तान उन्होंने तेहरान के बाहर देखा होगा, और बहिश्ते मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा कब्रिस्तान कुम का देखा होगा, मौला इमाम रज़ा अलैहि सलातो सलाम के हरम के साथ जो मुतसल कब्रिस्तान है वो आपने देखा होगा। आपने नजफ में अमीर मोमिनीन के जवार मुकद्दस में वो दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में से एक इंतहाई जिसमें लाखों मिलियंस की तादाद में मजारात हैं, अंबिया मदफून हैं, औलिया मदफून हैं, उलमा मदफून हैं, आजादार मदफून हैं, मोमिनीन एक इंटरनेशनल कब्रिस्तान है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि हैदराबाद के न जाने कितने मोमिनीन, हमारे कुछ मीर साहिबान, ताकू साहिबान, कुछ आगा और मिर्जा साहिबान की वहां पर मजारात हैं। आपको पता है दुनिया जहां के लोगों का ये इश्क होता है कि हमें दफन किया जाए वादी उस सलाम में। अक्सर सवार मशीन फरमाए आप वादी सलाम की ज्यारत आपने की, पेशते सैयदा ज़हरा की ज़ियारत आपने की, पेशते मासूमा की ज़ियारत आपने की, पेशते इमाम रज़ा की ज़ियारत आपने की, वहां पर जाते हैं क्या होता है? कहीं आपने देखा कि किसी गुंबद किसी मजार के नीचे साए में बैठे हुए लोग जो है वो मना रहे हैं, कोई चर्च भी जा रही हो, कोई इस किस्म की बदामनी हो रही हो नजफ में, करबला में, मशहद में, कुम में? यहां हमने अपने मुसलमान मुकद्दस मकामात की बेहुर्मती की इजाजत क्यों दी है? मुनहदिम करने वाला अगर बेदीन है
बदतमीज है। हुर्रत मोहम्मद और आल मोहम्मद की तौहीन करने वाला है तो उन मुकद्दस मकामात की बेहुर्मती इस अंदाज में कि वहां पर हम हराम अमल को फरोग दिया जाए, यह भी उसी जुमरे में आता है कि मुकद्दस मकाम की बेहुर्मती करना है। अगर गिराने की इजाजत नहीं है तो तौहीन की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें बेदार होना चाहिए। हमारी कौमी मिल्ली तंजीमों, हमारी अंजुमनों, हमारे उलमा, हमारे जिशियत और आजादार लोगों की जिम्मेदारी है कि मीटिंग्स करें, एहतजाज करें, निकलकर बाहर आए कि आज के बाद जिस कब्रिस्तान में किसी अली वाले की मजार होगी हम उसकी बेहुर्मती पदमली के साथ होने नहीं देते। जिस मुकद्दस जगह पर किसी मोमिन सैयद की मुकद्दस मजार होगी हम उसकी बेहुर्मती बदमनी के जरिए होने की इजाजत नहीं देंगे। हम अपने मुकद्दस मकामात पर बेपर्दा और मुकद्दस, आपको पता है शाम में कितनी बेपर्दगी है, कितनी बेहयाई है, कितनी मॉडर्निज्म है, कितनी ओहियानी है। बाजार शाम में आप देखते हैं खवातीन जो है वो स्कर्ट पहनकर और जींस पहनकर बेपर्दा घूम रही है, हंस रही है, मगर जिन मोमिनों ने हराम में सजदा सारी ज़हरा हजरत ज़ैनब अलैहा सलाम अल्लाह अलैहा पाक बीबी के रोजाए मुकद्दस और हरम मुतहर की ज़ियारत की, हमें पता है कि जैसे ही इंटर हुआ जाता है सजदा सलाम अल्लाह अलैहा के रोजाए मुकद्दस में, सबसे पहले जो एक कमरा आता है जिससे गुजरा जाता है खवातीन के लिए, वहां पर सैकड़ों की तादाद में चादरें रखी हुई और लिखा हुआ है अगर बाहर से आपके पर्दा भी आई हो तो बीबी के मजार पर सुधार बगैर चादर के अंदर जाओ। ये हमने आपके लिए चादरें मुहैया की हैं सारे, और अगर नहीं भी खुद को ठाक दी तो चंद लोगों के लिए सैयदाए आलमीन का दिल दुखा जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी इंतहाई दस्त बस्तकी के साथ इंतहाई आजिजी के साथ गुजारिश करता हूं आप मोमिनों, अगर खवातीन हम वो मनफी लोग नहीं है कि कहेंगे खवातीन का कब्रिस्तान में दाखिला मोमिनों में, एक छोटी सी बात आपके होश को ला, मैं उम्र पर गया नमाज असर के बाद एक घंटे के लिए जन्नतुल बकी का दरवाजा तक खोला जाता था, अब का पता मुझे नहीं है। हम गए बल्कि 80% रोजा रसूल खाली हो गया, थोड़े जन्नतुल बकी के जाने क्यों बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि एक दिन के बाद योम इन्हदाम में जन्नतुल बकी है। आपसे बोलने अक्सर हमारी अंजुमने हमारी तंजीमें जुलूस निकालती हैं, एहतजाज करती हैं, सिर्फ मजलिस में हाजिरी, मीलाद में हाजिरी, जुलूस कजा में हाजिरी, इससे बड़ी जनाबे ज़हरा की तौहीन क्या होगी कि उनकी मजार मुकद्दस को बिलडोज कर दिया जाए और हमसे फकत थोड़ा सा एहतजाज भी न बन पड़े। जिम्मेदारी है निकली, अगर यौम अल-कुद्स पर बैतुल मुकद्दस की तहफ्फुज़ के लिए नहीं निकले ना, दुनिया में कहीं भी एक इतनी सी चंद गज की जमीन के अहाते में 5 मासूमीन की बाजार नहीं है। मेरा सच्चा इमाम मौला इमाम मोहम्मद फाके इमाम सादिक आले मोहम्मद और हुसैन का भी इमाम हसन इमाम, ये 4 बेटे अपनी मादर गिरामी के कुर्ब जवान में सोए हुए हैं, साया नहीं ऐसा था रुक जब हम हाजिर हुए 40-45 एक घंटे का वक्त था, 40-45 मिनट के बाद वो शुरतों ने लोगों को हांकना शुरू किया, आजी आजी जल्दी निकलो निकलो,
निकलते निकलते वो उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में कर रहे हैं, फारसी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, रटी रटाई तकरीरें हैं, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है, ये सब जन्नत में है, या बस इबरत हासिल करो। निकलते निकलते वो जब बाहर निकले तो हमने देखा कि जो दीवार उस पर एक बड़ी सी वो रेलिंग लगी हुई है, वहां पर कुछ ईरान की, लबनान की, शाम की, पाकिस्तान की खवातीन, माए बहने, बहू बेटियां थारे मार मार कर रो रही है। सैयदा अपने घरों से निकल कर आपकी मजार के सामने आए हैं, ये जालिम हमें आपकी ज़ियारत की इजाजत नहीं देते। तो वो जो पंजाबी में तकरीर, उर्दू में तकरीर कर रहा था, कोई पाकिस्तानी था, उससे मैंने कहा खवातीन बेटियां अपने क्यों नहीं जाने लगी? कहा नहीं, खवातीन को कब्रिस्तान में जाने से रसूल अकरम ने मना फरमाया, कब्रों पर खवातीन को इस्लाम की तालीमात इजाजत नहीं देती। मैंने कहा कब्रिस्तान कितनी कब्रों के बाद बनता है? चाहिए एक ही कब्र। मैंने सामने रोजा रसूल की तरफ इशारा किया, मैंने बोला ये गुंबद खजरा मरहूम के खुदा का मसला, ये किस जगह बनी हुई है? का उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का हुजरा है। मैंने बोला कितनी मजारे हैं यहाँ पर? क्या रसूल अकरम की मजार मुकद्दस है, खलीफा अव्वल की है, खलीफा सानी की है, तीन कब्रें हैं इस उम्मत के लिए। वो समझ रहा था कि ये मालूम हासिल कर रहे, वो मुझे बताया जा रहा था, डरा था रसूल अकरम की मजार, खलीफा अव्वल की कब्र, खलीफा सानी की कब्र। मैंने कहा तीन कब्रें तो हैं ना कम से कम? हाँ बिल्कुल है। मैंने कहा आप कह रहे हैं ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का हुजरा है? कहा है। मैंने कहा रसूल अकरम की तदफीन के बाद हजरत आयशा जिंदा थी? कहा जिंदा थी। हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत आयशा जिंदा थी? कहा जिंदा थी। हजरत उमर की वफात के बाद हजरत आयशा जिंदा थी? कहा जिंदा थी। मैंने बोला उम्मुल मोमिनीन आयशा को दीन का पता है या आज आप सऊदियों को बताएगा? का उम्र मोमिनीन को ज्यादा पता है। मैंने कहा हजरत आयशा ने रसूल अकरम के विसाल के बाद अपनी तमाम जिंदगी तीन कब्रों के दरमियान गुजार दी, और आप यहाँ पर फतवा लगा रहे हैं कि औरत को कब्रों पर नहीं जाना चाहिए? उम्र मोमिनीन ने सारी जिंदगी कब्रों के दरमियान गुजारी, आपको शर्म नहीं आता कि उनकी सीरत के खिलाफ बात कर रहे हैं? वो फौरन वो मेरे हाथ में हाथ देकर चल रहा था, तबलीग कर रहा था। जब मैंने ये बात की, उस मरहूम ने अपना हाथ छुड़ाया, कहा आप वो बातें कर रहे हैं जो राफजी करते हैं, आप वो बातें कर रहे हैं, यानी उनके पास कोई दलील नहीं है। बस हमारी जिम्मेदारी, मैंने आपके कोश गुजार कर दी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, कोई मुसलमान इससे इत्तफाक करने से नहीं रह सकता कि मुकद्दस बाजारात पर बेपर्दा औरत का दाखला ममनू कर दिया जाए। शिया कहेगा सही है, सुन्नी कहेगा सही है, देवबंदी कहेगा सही है, बरेलवी कहेगा सही है, अहले हदीस कहेगा सही है, हमारे मजार हमारे कब्रिस्तानों पर बुराई ना होना नहीं होना चाहिए, दुनिया जहां का गंद वहां पर जमा हो गया है, बुराइयों के मरकज बन गए हमारे कब्रिस्तान और हमारी दरगाहें, कौन सा मुसलमान है जो उस पर इत्तफाक नहीं करेगा? अगर इस एक बात पर उम्मत में इत्तफाक है तो जो हम ये यहां पर बैठे हुए हैं सब सभा हो गए। आज से ये जहन बनाए कि अपने अंजुमनों को, अपने मुतवलियों को, अपने गद्दी नशीनों को कचहरियों में, दोस्तियों में, मोहब्बतों में कहीं पर याद देना, वो जो एक तोहीन हुई है 1924-25 में, वो आज तक वो उसे बहाना बनाकर उन यजीदियों के चेले, उनकी नाजायज औलाद हमें आज भी मना कर रही है कि न जाओ, वहां पर सर्कस लगा हुआ है। और कितनी बड़ी मुसीबत है, सलाम करता हूं मैं उन आशिका ने हुसैन सादारा ने बोला मजलूम को, लतीफ सरकार का मेला लतीफ सरकार की विलादत की तारीख पर नहीं लगता, शाह अब्दुल लतीफ बेटा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख पे वफात है।
हजरत कलंदर शहबाज का मेला हजरत कलंदर शहबाज की तारीख वफात पर लगता है, तारीख विलादत नहीं है, वो तारीख वफात। और वहां पर नाच गाने हो रहे हो, वहां पर घुंघरू छमकाए जा रहे हो, वहां पर तबले और बाजे बज रहे हो, वहां पर सर्कस और थिएटर सजे हुए हो, वहां पर मना खड़े हो, वहां पर बुराइयां हो, वहां पर दुकान और बाजार सज जाए। ये तो ऐसे लगता है जिस तरह शाम की बाजार हुसैन के कत्ल होने के बाद सजाई गई थी। अगर खिदशा में, अगर सेवन शरीफ में, अगर किसी और शहर में उस वली खुदा की तारीख वफात पर। इसलिए मैंने कहा आजादारों, तुम्हारी ज़ेरतों को सलाम हो, तुम काले कपड़े पहनकर भिक्षा पहुंच जाते हो कि दुनिया वालों प्यार कर रहे हो। अरे लतीफ सरकार का जनाजा उठ रहा है और तुम खुशियां मना रहे हो। हम हुसैन के आजादार, भिक्षा हो या सेवन हो, वहां पर आजादारी करके बताते हैं कि किसी के मरने पर, किसी की तारीख वफात पर खुशी नहीं मनाई जाती, शोक किया जाता है, शोक किया जाता है। आज कब्र ज़हरा सलाम बीबी, आपकी कब्र पर दिया जलाना इतना मुहिम था, इतना जरूरी था। मुझे वो रवायत याद आ रही है कि जब मौला हुसैन 28 सफर मदीना छोड़ रहे थे तो नाना की मजार पर हाजिरी भरने के बाद मुझे अल्लामा तालिब जोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जुमला जो बाद में मैंने किसी मकतब की किताबों में भी पढ़ा, याद आ रहा है। सबसे पहले मैंने जवानी में उनके जुबानी सुना था, अल्लाह उन्हें करीम के रहमत के रूम के दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा कि जब नाना की मजार पर गए बड़े वकार के साथ, बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि वक्त के इमाम थे, इमाम वक्त इमामुल अंबिया से रुख्सत करने जा रहे थे। कहा जब रसूल अकरम से रुख्सत होने के बाद सामने गए मां की मजार की तरफ, कहा हुसैन इस तरह दौड़े जिस तरह छोटा बच्चा, छोटा मासूम बच्चा अपनी मां की गोदी की तरफ उन्हें दौड़ता है। एक दफा खुद को मां की कब्र पर गिराया, कहा अस्सलामु अलैका या अम्मा। अज़ादारों, आज लोगों ने मदर्स डे मनाया, अपनी माओ को मुबारकबाद दी, आओ आज दो लम्हों के लिए हुसैन की अम्मा को याद करें। बीबी आप फकत तब मजलूमा नहीं थी, बीबी आप आज आओ आज भी मजलूमा है। बोला हुसैन आए, बीबी से किस तरह रुख्सत किया, मैं तवील मसाइल पढ़ने का आदी नहीं। रुख्सत होने के बाद एक जुमला जो मक्तब वालों ने लिखा है, मौला उठे अपनी अम्मा की मजार को देखा, सामने भाई हसन की कब्र को देखा, वो कहा अम्मा मुझे माफ करना, अम्मा अब उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं देती, अम्मा मुझे पता नहीं मेरे बाद आपकी कब्र पर दिया कौन जलाए, अम्मा दिया कौन रोशन करेगा। अज़ादारों, मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज करें, मेरा हो सकता है आपकी किसी बच्ची ने रोशन किया हो, हजरत उम्मुल बनीन ने रोशन किया हो मौला, मगर आज जब हजारों बलब नाना की मजार पर रोशन है, सैयदा जहरा की मजार पर एक दिया जलाने वाला कोई नहीं। अल्लाह लानतु नार ही अला कुल्ली जालिम, सयालमुल लदीन जलम أي منقلب ينقلبون، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وصرفنا شر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ان بزرگ سادات کی مزاروں کے احاطے میں بیٹھ کر खुद इनकी अरवाह मुकद्दसा हम सब आजादार हैं, शिया सुन्नी बिरादरान तेरी बारगाह में दस्त बदुआ है। और परवरदिगार
आज के शब्द क्योंकि एक दिन के बाद यौम इन्हराम में जन्नत को भरवाए परवरदिगार तुझे वास्ता उस उजड़ी हुई मजार को परवरदिगार तुझे उस जमीन के मुकद्दस टुकड़े का वास्ता जहां चंद गजों में 5 मासूम मदफून और उनके सामने इमाम अंबिया मदफून है हमारे नजरियात को दुरुस्त फरमा परवरदिगार ये कहना कि मौला सब खुद ठीक करेंगे तो पैगंबर सामने देख रहे हैं मेरी बच्ची की मजार की बेहुरमती हो रही है 4 इमाम अपनी मादर गिरामी के पैरों में मदफून होकर देख रहे हैं अगर सब कुछ उन्हें करना होता तो सालिमों पर फिर लानत क्यों की जाती परवरदिगार तुझे हमें अपने मुकद्दस मकामात को पाकीजा बनाने की तौफीक अता फरमा परवरदिगार सैयदा कौनैन की उजड़ी हुई कब्र के पास जो मोमिनीन मरीज है तुझे उस जख्मी पहलू का वास्ता परवरदिगार तेरी बारगाह में इमाम सादिक आले मोहम्मद का वो जुमला अर्ज करता हूँ जिसमें मौला कहते हैं मेरा सलाम है मेरी दादी पर जो नमाज शब और तहज्जुद में एक हाथ के साथ दुआए कुनूत पढ़ती थी अदाबी कहता है मौला मैंने पूछा मौला सैयदा कौनैन एक हाथ से कुनूत क्यों मांगा करती थी कहा कुनफुस मलून ने इतने चाबुक मारे सैयदा अपना दूसरा हाथ उठा नहीं पाती थी परवरदिगार बीवी के सख्मी पहलू का वास्ता मरीजों को शिफाए कामला सेहत आजला अता फरमा परवरदिगार सैयदा कौनैन की झोली में पलने वाले कायनात के अजीम फर्जंदों और बेटियों की इज्जत का वास्ता जो मोमिनीन बे औलाद है उनकी झोली आबाद फरमा जिन्हें औलाद की नियमत से सरफराज फरमाया है उन्हें अपने बच्चों की राह करबला और राह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तालीम और तरबियत के तोहफे अता फरमा परवरदिगार जो बेरोजगार है तुझे उस चक्की की मुशक्कत का वास्ता कि जिसमें जौ का आटा पीस कर सैयदा कभी यतीम को खिलाती है कभी कैदी को खिलाती है कभी मिस्कीन को खिलाती है बेरोजगारों को हलाल रोजी का जरिया अता फरमाया जिन्हें रिस्क रोजी का जरिया अता फरमाया है उसमें खैर और बरकत अता फरमाया परवरदिगार जो मोमिनीन मोमिनात मरहूमिन मरहूमात बिलखसूस सादा बेगम जो हमारे साथ कर्ब में मदफून है परवरदिगार उन्हें जवार मासूमीन में बुलंद कर जाता है उनकी शफाअत अहले बैत अतहार नसीब फरमा जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमाए के जो लवाहिकीन के बुलंदगार जो मरहूमिन मरहूमात हमारे यहाँ से गुजर चुके हैं परवरदिगार उनकी मगफरत फरमा शफाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा परवरदिगार उलमा हमदा का साया हमारे सरों पर कायम फरमा मकामात मुकद्दसा अतबात आलियात का तहफ्फुज फरमा जो हज ज़ियारात के मुतमन्नी हैं उन्हें हज ज़ियारात की तौफीक अता फरमा परवरदिगार बिलखुसूस बिलखुसूस जिन्होंने मज़ार सैयदा कौनैन की ज़ियारत नहीं की उजड़ी हुई कब्र उजड़ी हुई कब्र उजड़ी हुई कब्र फकत सुनते परवरदिगार उन्हें दिखा के सैयदा की मज़ार किस हालत में परवरदिगार हमारी जिंदगियों में हमारे रोजाए सैयदा कौनैन और आयमाए तहार तामीर होते दिखा परवरदिगार ज़ालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा परवरदिगार उन नाहंजार ज़ालिम और बदकिरदार हुकूमतों को ज़लील ख्वार और नीस्त नाबूद फरमा उम्मत मुसलिमा को एक एक इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा पैरवी कुरान और इश्क अहले बैत अतहार इन दो मुकाम पर उम्मत मुसलिमा में एक और इत्तेहाद अता फरमा परवरदिगार बहते मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे आका हमारे मौला हमारे सैयद हमारे सरदार यूसुफ ज़हरा महदी दौरान के ज़ुहूर में ताजील फरमा हमें मौला के अहवाल और अंसार में शामिल फरमा हमें जिन्नत की जिंदगी से महफूज फरमा मौला के कल कौम इज्जत और वक़ार को मौत नसीब फरमा जिन मोमिनीन ने फर्श अज़ा का अहतमाम किया है न्याज नजर का अहतमाम किया है दामे दर में सुखने उनके साथ जिन मोमिनीन ने तआवुन फरमाया है उन सब की ज़हमतें कोशिशें मुझकीन की गुफ्तगू और जिन मोमिनीन ने यहाँ पर कुछ न कुछ अर्ज किया सबकी गुफ्तगू अपनी बारगाह में और बिलखसूस बारगाह सैयदा कौनैन में शर्फ कबूलियत अता फरमा हमारे तौफीकात की खैर में इज़ाफ़ा फरमा तमाम दुआओं की कबूलियत के वास्ते एक मरतबा दिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद व मोहम्मद व आले मोहम्मद।